चलो दोस्तों हो चलते हैं हासन, करते हैं दर्शन माता हासनाम्बा का। रात में खाने के लिए हम लोगों ने रुकाया था रॉक गार्डन में। खाना बहुत अच्छा था और हम सब लोगों ने एंजॉय किया। सब लोग थके हुए थे और रात को 1:30 बजे हम लोग हासना पहुँचे और श्री साई लॉज में स्टे किया। अगले सुबह 7 बजे हम लोग निकले माता हासनाम्बा के दर्शन के लिए और ऑन द वे हम लोगों ने नाश्ते के लिए रुकाया होटल प्राकृति दर्शन में और उधर हम लोगों ने हमारा ऑथेंटिक इडली वड़ा सांभर खाया। दो अच्छा था इडली वड़ा सांभर। होटल का लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। ये ट्रिप में मेरे दोस्तों के साथ गया था और ये है श्रेयस भट्ट और ये है कौशिक शेणे। दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे अपना अपना खाना और बहुत मज़ा किया था हम लोगों ने। नाश्ता हुआ, नाश्ते के बाद हमने हमारा सफ़र मंदिर के तरफ स्टार्ट किया और उधर जाके हम लोगों ने VIP दर्शन के लिए रुके थे और दर्शन के लिए 300 रुपये का हम लोगों ने एक टिकट निकाला था और वो लाइन में खड़े थे। 3-4 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली हमको 10:30 बजे हासनाम्बा माता का दर्शन मिला। दर्शन बहुत अच्छा था। सिक्योरिटी रीजंस के लिए मैं वो दर्शन का फ़ोटोज़ नहीं डालता हूँ। और बहुत अच्छा था टेम्पल, बहुत अच्छे से सजा हुआ था और दर्शन के बाद हम लोगों ने उधर प्रसादम भी खाया था। फिर हमने हमारा सफ़र हासना से उड़पी की तरफ शुरू किया। पहले हमको हमारा जर्नी में हाथी मिला और हमने उस हाथी को केला दिया जो मेरे दोस्तों ने लाया था। हमारे मुलाकात 2 हाथियों से हुआ, एक है अभिमन्यु और एक है महिंद्रा। दोनों मैसूर से हैं जो राजा महाराजाओं के दरबार में हैं और जो दशहरा के टाइम पे अंबारी को अपने पीठ पे लेके जाते हैं। और ये अभी दोनों चिकमंगलूर जा रहे हैं जो जंगली हाथियों को पकड़ने में काम आते हैं। दोपहर का समय था और खाने के लिए हमने एक शॉप पे रुकाया और यहाँ हमको भुट्टा मिला। ये देखिए अभी भुट्टा कैसा सेकते हैं। तैयार होने के बाद हमने उस भुट्टे को अच्छे से खाया। मेरे दोस्तों ने भी उसका मजा लिया। भुट्टा खाने के बाद हमको प्यास लगा तो इसलिए हमने गन्ने का जूस पीने का प्लान किया। तो उधर ही नज़दीक में गन्ने का दुकान था जहाँ वो लोग गन्ने का जूस बना रहे थे। ये देखो कैसा गन्ने का जूस बना रहे हैं वो लोग। एक ग्लास गन्ने के जूस को उन्होंने 20 या 25 रुपये लिया था जो बहुत अच्छे दाम में मिला हमको। ये मेरा दोस्त है, इसको गन्ने का जूस बहुत पसंद है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक बटन हिट करो और मुझे सपोर्ट करते रहो। जैसे ही हम लोग एक गांव से गुजर रहे थे तो हमको एक बैलगाड़ी दिखा। ये बैलगाड़ी गांव में ही दिखते हैं अभी, जो एक अच्छा नज़ारा है जो हमको शहर में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे गए तो हमको 2-3 ऊंट मिले और देखो ये क्या बोल रहे हैं अभी। सपना, किधर से है? मध्य प्रदेश से आए। अभी किधर जा रहे हो? अभी किधर? चिकमंगलूर। बच्चे लोग बैठा लेके छोटा छोटा। ठीक है भाई, थैंक यू। प्रकृति का आनंद लेके हम लोग आगे निकल रहे थे। जैसे ही शाम हो रहा था तो हमने सोचा कि एक छोटा सा और ब्रेक ले
जहाँ हम लोग चाय पानी कर पी लेते हैं। तो हमने हमारा अगला डेस्टिनेशन इबानी कैफ़े पे रुकाया, जो एक अच्छा सा छोटा सा रेस्टोरेंट था। इबानी कैफ़े एक अच्छा सा छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ हमको हर तरह का खाना मिलता है, पीने के लिए जूसेस मिलता है और बैठने के लिए बहुत अच्छा जगह है जो एक पहाड़ पे सिचुएटेड है। तो हमने उधर फ्रेंच फ्राइज खाया, सैंडविचेस खाया, पीने के लिए अच्छा सा जूस था और हमने उधर केक्स चॉकलेट सब लिया। फिर चारमाड़ी घाट से पहले मैंने एक अच्छा सा मटका सोडा पिया। चारमाड़ी घाट्स में हमको हमारा दोस्त मिले जो थे बंदर, और हमने उधर उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वो शायद भूखे लग रहे थे तो इसलिए हमने उनको वाटरमेलन और टोस्ट का टुकड़ा सब दिया। जैसे ही उनको खाने को मिला ना तो उन्होंने बहुत खुश थे और उनको देख के हम लोग सब खुश थे। ये देखो उनको थोड़ा हम लोग खिला रहे थे, थोड़ा एंजॉय करो देखो। मेरा आप सबसे एक विनती है, अगर आप भी किधर ऐसा ट्रैवल कर रहे हो या किसी घाट सेक्शन के थ्रू पास हो रहे हो, ज़रूर अपने साथ कुछ खाने पे रखना। अगर आपको बंदर या ऐसा कोई जानवर दिखे तो ज़रूर उनको खिलाना, बहुत खुशी मिलती है। एक बार ट्राई तो करके देखो। ये सब होने के बाद हम लोग चारमाड़ी घाट उतरे और उसके बाद हमने कारकाला में अपना डिनर किया और हम लोग रात घर पहुंचे। धन्यवाद मेरा ये वीडियो सब देखने के लिए।